हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आई हूँ भुवनेश्वर का खंडगिरी और उदयगिरी केव्स को एक्सप्लोर करने, पर उससे पहले 25 रुपीज़ का टिकट काटना पड़ेगा। और हाँ, खाने की चीज़ें ना लाए अपने साथ, वरना ये बंदर आपके हाथ से छीन के ले सकते हैं। अभी चलते हैं खंडगिरी केव्स को देखने। फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी में कलिंगा के राजा खारवड़ा ने ये गुफाएं बनाई थी जैन मॉन्क्स के लिए, ताकि वो यहाँ रह सके और मेडिटेट कर सके। खंडगिरी पहाड़ में 15 गुफाएं हैं। एक वेल मेंटेन्ड और डिस्टिंग्विश्ड केव है नवमुनि गुफा। यहाँ जैन तीर्थंकर और उनके संबंधित यक्षिणियों के कार्विंग्स हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, वो ये है जैन मंदिर। बहुत खूबसूरत जगह है ये। यहाँ ऊपर से नजारा देखो, वो रहा उदयगिरी केव्स, जो कि नेक्स्ट हम जाने वाले हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ उदयगिरी केव्स की तरफ, पर पहले हाइकिंग करना पड़ेगा। उदयगिरी पहाड़ में 18 गुफाएं हैं, तो सबसे पहले आ गए हम हाथी गुफा को देखने के लिए। राजा खारवड़ा के इंस्क्रिप्शंस भी हैं, जो एक मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है राजा के बारे में। यह है बाघ गुंफा, एक बाघ के मुख के जैसा दिखता है, और ये उदयगिरी का मोस्ट फोटोग्राफ साइट भी है। चलिए अब थोड़ा नीचे चलते हैं। यह है गणेश गुंफा। गुफा के अंदर श्री गणेश का कार्विंग है, इसलिए इसे गणेश गुंफा कहते हैं। अब चलते हैं यहाँ का सबसे फेमस और खूबसूरत केव को देखने, रानी गुंफा। ये 2 तला केव है, जहाँ बहुत ही खूबसूरत कार्विंग्स है। ये सब और भी कुछ केव्स हैं। चल चल के मेरा हालत खराब हो गया। तो आज बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।